क्लास फोर्थ स्टूडेंट, अब आपको पार्ट तीन के प्रश्न उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आपका, शब्द किसे कहते हैं? अब आपको उत्तर लिखना है इसका। उत्तर लिखेंगे दो या दो से अधिक वर्णों अथवा वर्णों एवं मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे राम, खाना, बगीचा, खेलना, सुंदर आदि शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, शब्द को किन किन आधारों पर बांटा गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। शब्द को किन किन आधारों पर बांटा गया है? उत्तर लिखेंगे, शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति में देखो, ऊ है छोटा, फिर आधा ता त्रिशूल है, प पतंग और दो बार ता है, ठीक है। दूसरा है बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। तो बच्चे, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। ग, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार लिखो। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार लिखो। तो अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के तीन प्रकार होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे ग, अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे क, पर्यायवाची शब्द। अभी मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था, रीडिंग करवाई थी, उसमें भी ये मैंने आपको बताया है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो ये आपके पाठ तीन के प्रश्न उत्तर, तीन ही प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं, बहुत सुंदर राइटिंग में। और बच्चों देखो, जिनके पास किताब है घर में, नहीं है तो ले लीजिए। देखो किताब में भी आपके पास आपकी कुछ रोचक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे पेज नंबर 18 है ये पार्ट तीन का, और इसमें प्रश्न उत्तर जब आप कर लोगे, उसके बाद किताब में एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। जैसे देखो, चित्र लिखा हुआ है ना आम, ये क्या है? मछली। तो म छ ली, ये क्या है? लीची, ली ची, है ना। ल ड की, कबूतर, नहीं गलत हो रहा है, तो देखो कुछ और आएगा इसमें। क, ये है कौन? कबूतर, कील, लड़की का बन गया कील। ऐसे देखो, तरबूज, ये बनेगा लकड़हारा, लकड़हारा। ये इसका, इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में नहीं लिखना है। इधर आ गया कील, और इधर आ गया लकड़हारा, और इधर आ गया तरबूज। और ये देखो, इसका इधर ही बन गया, लकड़हारा लिखोगे तो रात, और ये क्या है? जहाज। तो देखो, ये बहुत रोचक एक्सरसाइज है, ऐसी पहेलियां भरा करो तो आपके शब्द ज्ञान अच्छा हो जाएगा, बढ़ेगा आपका शब्द ज्ञान, ठीक है। तो जल्दी से आप पार्ट तीन का कार्य कर लीजिए, फिर हम पार्ट चार पढ़ेंगे।